दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि आप ट्रू कॉलर पर जो वेरीफाई बैच है उसको आप कैसे पा सकते हैं, जिसको आप ब्लू टिक भी बोलते हैं उसको यदि आप पाना चाहते तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको इस वीडियो को पूरा देखने से ब्लू टिक नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और यदि आपको इस वीडियो को पूरा देखने से ब्लू टिक मिल जाता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर के जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रू कॉलर। यदि आपने ट्रू कॉलर की ऐप को पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का जो ऑप्शन मिलता है तो आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे ट्रू कॉलर की जो पहले वाली ऐप है इसको आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। फिर दोबारा यहाँ पे आपको इंस्टॉल का जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करके इसी ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। आपको कोई दूसरी ऐप को डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो लीगल ऐप है इसको ही आपको डाउनलोड करना है। जब ये ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है तो यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है, और ओपन करने बाद तो यहाँ पे मैं आपको जैसा बताता हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, तब जाके आप ब्लू टिक है उसको पा सकते हैं, तब जाके आप वेरीफाई टिक पा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रू कलर को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेट अस डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद वापस आपको ट्रू कलर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेट अस डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों आपको अपना जो नंबर है जो कि आपके पास अभी मोबाइल के अंदर है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एग्री एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिलता है आपको उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपका जो नंबर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। यदि आपकी सिम आपके मोबाइल के अंदर है तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यदि दोस्तों यहाँ पे आप ब्लू टिक पाना चाहते तो आपके पास दो रास्ते हैं जिससे कि आप बड़े आराम से ब्लू टिक पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका जो नाम है जो कि एक लीगल नेम है, जैसे कि आपका जो भी नाम है सुरेश कुमार है या सुरेश पटेल है या फिर जो भी नाम है, आपका जो सरनेम है और आपका जो नेम है वो आपकी जो गूगल आईडी है या फेसबुक के अंदर सेम होना चाहिए, तब आपको ब्लू टिक मिलता है। तो आपकी कौन सी आईडी में सेम है उससे आपको अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर करना है। तो मेरा जो अकाउंट है वो फेसबुक से, मेरा जो नाम है वो बिल्कुल सेम है, जैसे कि मेरा नाम है ईश्वर पटेल, तो मेरा जो नाम है वो फेसबुक के अंदर भी ईश्वर पटेल है, तो मैं यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आप यदि फेसबुक सेलेक्ट करते या फिर गूगल सेलेक्ट करते तो जो आपका अकाउंट है वो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, तब जाके आप ब्लू टिक पा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप इसको लेटर कर सकते हैं, और लेटर करने बाद दोस्तों अब यदि आपका जो नेम है इसको आप देखना चाहते तो यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रही है आप उस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो यदि आपका लगा हुआ नहीं तो यहाँ पे फोटो लगाना है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट नेम है जो कि लीगल नेम है वो यहाँ पे लगाना है, उसके बाद लास्ट नेम लगाना है, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको ईमेल आईडी लगानी है, और इसके बाद दोस्तों आपको बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको सेव कर लेना है। मैंने इसको पहले से सेव किया हुआ है इसलिए यहाँ पे मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है, फिर आपको जो ब्लू टिक है वो मिल जाता है, फिर आपको वेरीफाई बैच मिल जाता है। कम से कम आपको 1 या 2 दिन वेट करना है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।